माइनस लॉग डेट इज वन प्लस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स रेस टू पावर टू ठीक है अब देखिए गिवन फंक्शन में अगर आप एक्स को जीरो की ओर अप्रोच कराते हैं ठीक है तो आप देख पाएंगे कि इसका जो न्यूमरेटर है वो कन्वर्ट होता है जीरो माइनस जीरो डिवाइडेड बाई जीरो और यू कैन से द फॉर्मेट इज जीरो अपॉन जीरो ठीक है अच्छा में जीरो माइनस जीरो का फॉर्मेट कैसे आ रहा है आप देख सकते हैं कि कॉल जीरो तो वन होता है लेकिन एक्स की वैल्यू आपकी जीरो की ओर टेंस करती है तो ये क्वांटिटी जीरो में कन्वर्ट होगी और लॉग वन भी आपका जीरो की ओर अप्रोच करता है तो न्यूमिटर भी आपका जीरो की ओर टेंस कर रहा है भी आपका जीरो की ओर टेंस कर रहा है सो द फॉर्मेट इज इन डिटरमाइंट एंड द फॉर्म इज अपॉन जीरो ठीक है अब इनकेस अगर आपके पास जीरो बाई जीरो फॉर्मेट का कोई फंक्शन है जिसकी आप लिमिट निकालने जा रहे हैं तो अब आपके पास दो ऑप्शन है या तो आप इसे थोड़ा सा मैनिपुलेट करेंगे और फिर इस फंक्शन की लिमिट आप निकाल सकते हैं दूसरा एक ऑप्शन है कि आप इसमें लॉपिटल रूल अप्लाई करें तो मैं इस क्वेश्चन में लॉपिटल रूल को भी शेयर करूंगा लेकिन मैं पहले बात कर रहा हूं कि अगर विदाउट लॉपिटल अगर आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो फिर आप इस फंक्शन की लिमिट कैसे कैलकुलेट करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं देखिए इनकेस अगर आप लॉपिटल को यूज करना नहीं चाह रहे तो फिर मेरे पास जो ऑप्शन अवेलेबल है वो ऑप्शन है कि आप यहाँ पे एक्सपेंशन का यूज करें तो एक्सपेंशन का यूज करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि किस फंक्शन का एक्सपेंशन क्या होता है तो सबसे पहले क्योंकि मुझे जरूरत पड़ेगी कॉसेक्स की तो कॉसेक्स के अगर मैं एक्सपेंशन की बात करूं तो ये बराबर होता है वन माइनस एक्स फैक्टोरियल टू प्लस फैक्टोरियल फोर माइनस फैक्टोरियल सिक्स प्लस डॉट 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 अपू इन्फिनिटी अगर आप लॉग वन प्लस एक्स की बात करें जिसका बेस नेचुरल है विच इज ई इसका एक्सपेंशन होता है एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉइंट टू प्लस एक्स क्यूब अपॉइंट थ्री माइनस एक्स फोर अपॉइन फोर प्लस डॉट अपू इंफिनिटी के चलिए अब इन दोनों एक्सपेंशन को क्वेश्चन में अप्लाई कर देते हैं तो आप इसे लिख पाएंगे लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग टू जीरो आप देख सकते हैं एक एक्स तो पहले से मौजूद है और कॉसेक्स के एक्सपेंशन को मैं अप्लाई कर रहा हूं तो ये बनेगा वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू एक्स फोर अपॉन फैक्टोरियल फोर अपॉन टू एक्स क्यूब अपॉन थ्री माइनस एक्स फोर अपॉन फोर प्लस डॉट डॉट अप टू इंफिनिटी और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में अगर आप चेक करें तो आपके पास डाटा मौजूद है एक्स द पावर

X square upon two, जो कि आपको यहां से मिलेगा minus को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तोल टू लेकिन क्यूब का एक टर्म आपको यहां भी नजर आ रहा है that is minus x cube upon इसके बाद हमें चेक करना चाहिए पावर फोर के टर्म के लिए तो एक पावर फोर का टर्म आपको यहां भी नजर आ रहा है जो कि बनेगा x की पावर फोर अपऑन फोर इसके बाद आप देखेंगे तो पावर फाइव का एक टर्म आपको मिलेगा लेकिन जरूरत है नहीं दिखा रहा हूं और बाई क्या है? बाई आपका चल रहा है एक्स स्क्वायर के अब आप देख सकते हैं कि न्यूमिटर से आप चाहें तो एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लें जैसे आप एक्स स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो ये बनेगा वन बाई टू माइनस एक्स फैक्टोरियल टू माइनस यहां पे एक्स अपॉन थ्री उसके बाद एक्स इंफिनिटी so तक डिवाइडेड आप देख सकते हैं कि X square से X square आपका कैंसिल हो जा रहा है और एक्स को आप जैसे जीरो की ओर अप्रोच कराएंगे तो चाहे ये क्वांटिटी हो ये क्वांटिटी हो ये क्वांटिटी हो या फिर इसके आगे जितने भी वेरिएबल्स जनरेट होंगे उनमें कम से कम एक एक्स जरूर मौजूद होगा और क्योंकि एक्स आपका टेंडिंग टू जीरो है तो वो सारे के सारे टर्म्स को जीरो में कन्वर्ट कर देगा गिवन फंक्शन की लिमिट पे अगर कमेंट किया जाए तो लिमिट ऑफ गिवन फंक्शन इज़ तो तो एक तो ये मेथड हो गया फंक्शन की लिमिट को कैलकुलेट करने का से पहले सबसे पहले क्वेश्चन नोट कर लेता हूं लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो माइनस से बचना चाह रहे हैं और आप इसमें लगाने जा रहे हैं तो लॉपिटल की रिक्वायरमेंट क्या है कब आप किसी फंक्शन में लॉपिटल अप्लाई कर सकते हैं सबसे पहले या तो वो जीरो बाई जीरो के फॉर्मेट में होना चाहिए या फिर इन्फिटी बाई इन्फिनिटी के फॉर्म में होना चाहिए तो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको टेस्ट करके दिखाया था कि ये जो फंक्शन है इसका फॉर्मेट है जीरो अपॉन जीरो का ठीक है अब अगर ये जीरो बाई जीरो बिलोंग कर रहा है तो मैं इस पे को अप्लाई कर सकता हूं तो व्हाट इज एक्चुअली द रूल रूल है ना है क्या लॉपिटल रूल ये है कि इन केस अगर आप एक आपके पास एक फंक्शन है जो या तो जीरो बाई जीरो के फॉर्मेट में है या इन्फिटी बाई इन्फिटी के फॉर्मेट में है और आप उसकी गिविन लोकेशन uh, पे लिमिट निकालने जा रहे हैं तो उसके लिए करना आपको यह है कि आपको न्यूमरीटर को अलग डिफ्रेंशिएट करना है और डिलोमीटर को अलग डिफरेंशिएट करना है और आपका टारगेट ही रहता है कि यह फॉर्मेट रिड्यूज हो जाए मतलब अगर वो जीरो बाई जीरो का फॉर्मेट है तो आप तब तक, तक काम करेंगे जब तक ये फॉर्म हट ना जाए और हां जितनी बार आपने न्यूमरीटर को डिफरेंशिएट करना है एक्जेक्टली exactly उतनी टाइम्स ही डियोमीटर को डिफ्रेंशिएट करना है ऐसा नहीं है कि न्यूमरीटर को आप चार बार कर चुके हैं डिरोमीटर को अभी आप आपने एक ही बार किया है और पूरे को एक साथ नहीं कर रहे हैं टर को अलग डिफरेंशियट करना है डिमेटर को अलग डिफरेंशियट करना है तो चलिए देखते हैं कि कितनी बार में ये फॉर्मेट हमारा रिड्यूस हो जाएगा चलिए मैं डिफरेंशिएट करना स्टार्ट करता हूं सबसे पहले X cos X को करना है क्या आएगा एक्स माइनस साइन एक्स उसके बाद प्लस कॉस एक्स और एक्स का डायरेटिव वन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि डायरेटिव आपको समझ में आ रहा होगा लॉग वन प्लस एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये वन अपॉइट वन प्लस एक्स बनेगा और डिवाइडेड बाई टू टाइम्स ऑफ एक्स क्योंकि एक्स स्क् का डायरेटिव टू एक्स होता है अब नाउ में इसमें जीरो अगर सबमिट करता हूं तो आप देख पाएंगे कि अभी आपका जीरो बाई जीरो का फॉर्मेट रिड्यूस नहीं हुआ है चलिए अब इसको एक बार और डिफरेंशियट कर लेते हैं जैसे आप इसे एक बार और डिफरेंशियट करेंगे तो ये बनेगा माइनस एक्स डेट इज कॉस एक्स उसके बाद आप इसे लिख सकते हैं माइनस के साइन एक्स में डिफरेंशिएशन पे बहुत ज्यादा स्टिक नहीं कर रहा हूं क्योंकि x आएगा, और one one x को करेंगे, तो ये कन्वर्ट होगा यू आर गेटिंग टू और अब आप देख सकते हैं कि डिरोमीटर में जीरो तो नहीं आ रहा है मींस यहीं पर हमें एक्स को जीरो से रिप्लेस करना है